प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। सबसे पहले अर्पिता मेष राशि की बात करें कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होगा। पहले तो मैं बता दूं कि जो राशियों पर प्रभाव है वो अगले एक महीने तक रहेगा और देश दुनिया पर प्रभाव इसका अगले 3 महीने तक रहेगा। मेष राशि में ही सूर्य का प्रवेश है तो मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में मेष राशि के लोग जरा भी लापरवाही अब एक महीने में नहीं करेंगे। इस समय एकदम से आपको सरदर्द की समस्या हो सकती है, एकदम से आपको हड्डियों की समस्या हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, माइग्रेन पकड़ सकता है, इस तरह की दिक्कतें जिसमें थोड़ा पेन होता है सर में या हड्डियों में, वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर के और जीवन के जो बड़े मौके हैं वो अभी रुक जाएंगे एक महीने के लिए। अभी आपके बनते बनते काम कुछ समय के लिए रुकेंगे, बिगड़ेंगे नहीं लेकिन कुछ समय के लिए अभी रुक जाएंगे और अगले एक महीने तक आप बड़े काम संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस एक महीने में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से अभी एक महीने तक कुछ नहीं होगा। शांति रखने में ही बुद्धिमानी है। अब इस समय को बेहतर कैसे बनाएंगे? रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। अगले एक महीने तक 2 मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, एक मंत्र ये है, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप नित्य प्रातः करिएगा, आपको लाभ। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों को किन उपायों से, किन मंत्रों से अपनी राशि को ठीक रखना है ताकि कम प्रभाव आपकी लाइफ में पड़े, वो हमने समझा। और अब पंडित जी वृषभ राशि। बिल्कुल, वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे मेष में तो खैर ये परिवर्तन था ही, लेकिन वृषभ के 12वें भाव में सूर्य पहुंच गए हैं। बेवजह की मानसिक चिंताएं आपकी अगले एक महीने में बढ़ेंगी, बेवजह के तनाव होंगे, बेवजह के टेंशन होंगे। पैसा देखिए जरूर आएगा, पैसे का आगमन होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत होगी, लेकिन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा, ऐसा ना हो कि एक तरफ पैसा आता जा रहा है और दूसरी तरफ खर्च होता जा रहा है, इस बात का ध्यान आप बनाए रखिएगा। इस समय आपको आँखों की समस्या परेशान कर सकती है, लेफ्ट आई की प्रॉब्लम, बाईं आँख की समस्या, विशेष रूप से इस समय आँखों की समस्या और हृदय की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। यानी आपके लिए भी सेहत का मामला बहुत सुकून नहीं दिखा रहा है, बहुत कंफर्ट नहीं दिखा रहा है, क्या करेंगे? नियमित रूप से आप किसी गरीब आदमी को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। हफ्ते में एक बार भी कर लें, 2 बार कर लें, जितने बार संभव हो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं या आटे का अगर आप दान करते रहते हैं तो इस नकारात्मक समय से, इस समय के स्वास्थ्य की समस्या से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तो ये बात हो गई आपकी, और आप नौकरी होना ज़रूरी है, सरकारी नौकरी का प्रयत्न ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप जिस क्षेत्र में पंडित जी ने बताया उसमें आगे बढ़ें, उसमें सफलता दिखती नज़र आ रही है। हम बात कर रहे थे कि सूर्य की राशि परिवर्तन जो होता है वो किस तरीके से राशियों पर असर डालता है, और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है, और मिथुन वाले अगर इस एक महीने में कोशिश करें, अपनी ताकत लगा दें, अपनी मेहनत लगा दें,
तो काफी सफलता मिल सकती है और इनके लिए काफी लाभ के योग बन सकते हैं। करियर का लाभ, पैसे का लाभ, संतान पक्ष का लाभ, हर तरफ से आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। धन को लेकर के जो थोड़ी बहुत परेशानी और चिंताएं थीं वो दूर होंगी और कर्ज की स्थितियों में आपके सुधार होगा, आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे, ये संभावना भी आपके लिए बनेगी। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन गए हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर हो सकता है, उस दिशा के लिए भी आप बिल्कुल तैयार बने रहिए। लेकिन कुल मिला के जो भी परिवर्तन या जो भी डेवलपमेंट, जो भी उन्नति इस समय में हो रही है या होगी आने वाले समय में, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा ताकि सूर्य की कृपा आपको मिलती रहे। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करते रहें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।